লকডাউনের মধ্যে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন টিএসআর জওয়ানরা। সাধারণ মানুষ যাতে নিয়ম মেনে চলেন সেজন্য টহল দিতে হচ্ছে জওয়ানদের, তাই তারাও যাতে ভাইরাস মুক্ত থাকেন সেজন্য পদক্ষেপ নিয়েছে টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন। আর কি নগরে সদর কার্যালয়ের ভেতরে ঢোকার আগে তাদের স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিউটি সেরে তারা যাবার পর গেটের সামনে রয়েছে জুতো পা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা, হাত পা না লাগিয়েই তারা এই কাজ করতে পারেন। তারপর বডি স্যানিটাইজেশনের চেম্বারের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়। পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন নায়ক সুবেদার জহরলাল দাস। एक्चुअली है जैसे कि आप सबको पता है कोरोना महामारी है पूरा विश्व में फैला हुआ है और इस संक्रमण से हमें बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जैसे हमारा रूटीन ड्यूटी होता है अगरतला में, तो उससे हम लोग जवान लोग बाहर जाते आते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जाए हर तरह से हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। तो ड्यूटी भी करना है और हमें बचना भी है, हमें उस संक्रमण से बचना है जो एक महामारी का आकार धारण कर चुका है, आप सबको पता है। तो इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए हमने ये हैंड सैनिटाइजर और ये जो पैर में जो फुट हमने एक प्लेट बनाया है, जो शूज़ होते हैं हमारा बाहर से आता है कोई संक्रमण उसमें होगा तो उससे हमारा शूज़ को भी सैनिटाइज होता है। उसके बाद हैंड वॉश होता है जो कि अपना हाथ को बिना हाथ का यूज़ किए हुए और पैर का माध्यम से उसका सैनिटाइजेशन हैंड सैनिटाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारा जो बॉडी है, हमारा जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, उसको भी हम लोग सैनिटाइजेशन करने के लिए हमारा जो बॉडी सैनिटाइजर लगा हुआ है जिसमें कि एक्चुअल रेशो का अनुपात से हम लोग डेटोल और सेवलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ব্যাটেলিয়নের ভেতরে থাকা সরঞ্জাম এবং বাইরে থেকে কিছু সামগ্রী এনে এই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তাঁরা। পিওর রিপোর্ট, চ্যানেল দিন রাত।